यूपी के झांसी में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली। बता दें, ये पूरा मामला झांसी जिले के थाना मऊरानीपुर के गांव चुरारा की है, जहां गोविंद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का देकर मार डाला। मृतका के पिता का आरोप है कि मृतका का पति और परिवार अक्सर उनकी बेटी को मारता पीटता था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतका के पिता की तहरीर पर मृतका के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से ही मृतका का पति फरार चल रहा है। मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था शाम के टाइम, तभी बात करते समय वो रोने लगी। बात फोन में, हमने क्या होगा बेटा, तो बोल रही कि दीदी को जीजाजी और उन दोनों ने कुगा में पटक दिया है। फिर मैंने 10 मिनट बाद कॉल किया, मैंने निकाल लिया, बोले नहीं अभी नहीं निकाला। फिर इसके बाद आधे घंटे बाद कॉल की, फिर बोला कि उनकी डेथ हो चुकी है, निकाल तो लिया है। फिर इसके बाद मैंने तुरंत बाइक उठाई और चुरारा निकली और 112 पे कॉल की, तो पुलिस हमसे पहले पहुंच चुकी थी। लेकिन इन लोगों ने पुलिस को भी गुमराह किया और पुलिस को गुमराह करके बोले कि हम इलाज कराने ले गए, बल्कि ये लाश को वहीं ढके रहे, कहीं ले नहीं गए, और उनकी डेथ कुगा में ही हो चुकी थी। हम आपका बताएं जो है, इसलिए क्या घटना गई के सालों से परेशान हैं, सालों से जो है भी मारपीट करते हैं, और सालों से इन्हें जो है कभी हमारी लड़की को सुख नहीं हुआ है, तो फिर भी हम गम खाते रहे अभी तक, तो हम बार बार गम खात खात हम थक गए। फिर इसलिए इनने जब बाद में जो है हमारी लड़की को इन्हें मार पटक दिया है।